हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट मेकर इंस्टीट्यूट कुमारखंड में। आज आप लोगों का चैप्टर चलेगा शर्ट्स एंड इंडाइस। इस चैप्टर से रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको शुरू से अंत तक आप लोग देखिए। अगर पसंद आए तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रूट अंदर 8 माइनस 2 रूट अंदर 15 का मान क्या होगा। दोस्तों रूट लगा रहे और रूट के अंदर भी संख्या रहे, उसके पीछे दो हो, मतलब इसका रीजन है इसके पीछे दो होना चाहिए और रूट के अंदर भी रूट होना चाहिए। तो अब इसका दो को गुणनखंड ऐसा संख्या रखेंगे गुना करने पर 15 होना चाहिए और जोड़ने पर कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। गुना करने पर 15 होना चाहिए और जोड़ने पर कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। 5 3 कितना हो गया 8, 5 3 8, 5 3 15। अब प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, देखिए दोनों को क्या कीजिए रूट चढ़ा दीजिए। प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, आपका आंसर बन के तैयार है कितना, तो रूट 5 माइनस रूट अंदर 3। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा सी। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या है। फाइव प्लस टू रूट अंदर 6 का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने आ गया, रूट 3 प्लस रूट अंदर 2, बी नंबर में हो जाएगा रूट 3 माइनस रूट अंदर 2, सी नंबर में हो जाएगा रूट 2 प्लस रूट 6, डी नंबर में हो जाएगा 1 प्लस रूट अंदर 3। अब दोस्तों देखिए, फिर इसमें भी रूट पे रूट लगा हुआ है तो ये रूट वाला संख्या के पीछे में क्या होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए। अगर इसके पीछे में 2 है, इसका 2 ऐसा गुणनखंड लेंगे जो गुना करने पे रूट के अंदर वाला संख्या होना चाहिए और जोड़ने पे रूट के बाहर वाला संख्या होना चाहिए। तो 3 और 2, 3 2 6, 3 2 5, अगर 3 और 2 लेते हैं तो कितना हो गया 3 2 6, 3 2 5। अब प्लस है तो प्लस है, दोनों पर रूट चढ़ा देंगे, आपका आंसर बन के तैयार है कितना हो गया रूट 3 प्लस रूट अंदर 2। तो ए नंबर का ऑप्शन आपका हो गया रूट अंदर 3 प्लस रूट अंदर 2। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या है इसका। 12 प्लस 6 रूट अंदर 3, पूरे पर रूट है। अब देखिए यहाँ दोस्तों रीजन क्या आ गया आपके साथ, यहाँ पहले 2 होना चाहिए लेकिन यहाँ आपका है क्या 3 है, तो 6 को तोड़ सकते हैं 2 गुना 3, 2 3 6, 2 इसके पीछे रखेंगे 3 को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन देखिए आपका क्या क्या हो जाएगा। 2 प्लस रूट अंदर 3, 3 प्लस रूट अंदर 3, रूट 3 प्लस 1, रूट 3 माइनस 1, रूट 3 माइनस 1। अब इसका रीजन है क्या, पहले उसको 2 इसके पीछे लाइए, क्या करेंगे रूट 3 के पीछे क्या लाना है हमको 2 लाना है। तो 12 प्लस अगर यहाँ 2 करेंगे तो 2 3 6 3, इसका 6 का 2 गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुना 3, 3 को अंदर ले जाएंगे तो 3 अंदर क्या होगा पेयर बन के जाएगा, यानी 3 3 9 9 3 27, रूट अंदर कितना हो गया आपका 27, अंदर में हो गया 27। अब इसका 2 गुणनखंड ऐसा रखेंगे जो गुना करने पर रूट अंदर 27 होना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर कितना होना चाहिए, तो रूट अंदर जोड़ने या घटाने पर 12 होना चाहिए। तो 9 3 27 9 3 12, रूट चढ़ा देंगे इस पे भी रूट चढ़ा देंगे, प्लस है तो प्लस है माइनस है तो माइनस, 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3, इधर हो जाएगा रूट 3, आपका आंसर बन के तैयार है दोस्तों कितना हो गया आपका आंसर 3 प्लस रूट अंदर 3, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया 3 प्लस रूट अंदर 3। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। यदि रूट अंदर 28 माइनस 6 रूट अंदर 3 बराबर रूट अंदर 3 ए माइनस बी
जहां ए भी परिमेय संख्या है, जहां ए भी परिमेय संख्या है, हो तो ए माइनस बी बराबर कहता है वाह, ऑप्शन आपका एक हो गया माइनस दो, बी हो गया दो, सी हो गया एक, डी हो गया माइनस एक। दोस्तों कहता क्या है, यदि रूट अंदर 28 माइनस 6 रूट अंदर 3 बराबर रूट 3 ए माइनस बी, जहां ए और बी क्या कहता है परिमेय संख्या है, हो तो ए माइनस बी का वैल्यू आपसे पूछ लिया गया, तो घबराते क्यों, देखिए होगा क्या, इसका गुणनखंड फिर 6 का कर सकते हैं, 2 गुना 3, 2 को कंडीशन के अनुसार बाहर रखना है और 3 को अंदर ले जाना है, तो क्या हो जाएगा रूट अंदर 28 माइनस 2 रूट अंदर, और रूट के अंदर कितना चले जाएगा 3 या 9 9 3 27 बराबर रूट अंदर 3 ए माइनस बी। अब दो गुणनखंड ऐसा करेंगे इसका जो क्या होना चाहिए, गुना करने पर 27 होना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर कितना होना चाहिए, जोड़ने पर 28 होना चाहिए, तो 27 एकम 27 27 एक 28 माइनस है तो माइनस है, दोनों पे रूट चढ़ा देंगे, बराबर आपका हो गया रूट 3 ए माइनस बी, इसका हो जाएगा 3 रूट अंदर 3 तृतीया 9 9 3 27 माइनस 1 बराबर रूट 3 ए माइनस बी, रूट 3 ए माइनस बी, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस, अब अगर इसको निकालेंगे तो 3 रूट अंदर 3 बराबर रूट 3 ए, रूट 3 से रूट 3 कटा, ए का वैल्यू कितना निकल गया आपका 3, अब बी का वैल्यू निकालेंगे इधर है माइनस बी, तो ई हो जाएगा माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, तो बी का वैल्यू कितना आ गया आपका 8, ए माइनस बी का आता है तो ए माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों 3 - 1 = 2, आपका आंसर बन के तैयार है, कितना हो गया आपका आंसर 2। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं दोस्तों हम लोग क्या है, पांचवा क्वेश्चन, रूट अंदर 7 प्लस 2 रूट अंदर 12, रूट अंदर 7 प्लस 2 रूट अंदर 12 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, अब दो गुणनखंड इसका दोस्तों वैसा निकालेंगे जो गुना करने पर 12 होना चाहिए, जोड़ने पर 7 होना चाहिए, तो 4 3 12 4 3 7 प्लस है तो प्लस है, दोनों पर रूट चढ़ा देंगे, आपका आंसर बन के तैयार है, कितना हो जाएगा 2 + √3, 2 + √3 क्यों होगा, क्योंकि रूट 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, आपका आंसर बन के तैयार है कितना 2 + √3। छठा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग क्या है, यदि a बराबर √7 + √12 तथा b बराबर आपको दे दिया है √7 - √12 हो तो a³ + b³ = what। अब दोस्तों सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, तो अगर इसका a का वैल्यू हम निकाले तो कितना हो जाएगा आपका √12 है, 4 3 12 4 3 7 √4 और √3, 2 + √3 इसका वैल्यू हो जाएगा, अगर b का वैल्यू निकाले
तो फिर इसका भी हो जाएगा चार तिया बारह, चार तीन सात, माइनस है तो माइनस दोनों पर रूट करा देंगे तो बी का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, दो माइनस रूट अंदर थ्री। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर पूछा है आपसे, तो इसको दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी का अगर इसमें हम लोग वैल्यू निकाले, अब सूत्र से देखिए आपका क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए प्लस बी के होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। अब ए प्लस बी का अगर हम वैल्यू निकाले तो कितना हो जाएगा, दो प्लस रूट अंदर थ्री, प्लस हो जाएगा दो माइनस रूट अंदर थ्री, माइनस प्लस कैंसिल कितना हो गया, बी का वैल्यू चार आ गया। तो ए प्लस बी के होल क्यूब बराबर, ए प्लस बी के होल क्यूब बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी का, ए प्लस बी का वैल्यू चार हो गया, माइनस थ्री गुना ए बी, थ्री गुना ए इंटू बी का मान क्या होगा, मतलब ए गुना अगर बी करे तब देखिए दोस्तों इसका मान क्या हो जाएगा, दो प्लस रूट अंदर थ्री गुना हो जाएगा दो माइनस रूट अंदर थ्री, दो दुना चार प्लस माइनस माइनस तीन तिया नौ, नौ के वर्गमूल तीन, तो कितना इसका वैल्यू आएगा, एक आएगा, तो गुना एक इंटू चार, ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया चार। अब इसको कीजिए, चार का क्यूब कितना हो गया चौंसठ, माइनस चार तिया बारह, चौंसठ में से बारह घटा छः में से दो घटा, अभी चार में से दो घटा दो, छः में से एक घटा कितना हो गया आपका पाँच, आपका आंसर बन के तैयार है, कितना हो गया आपका आंसर पांच हो गया।